पहला सवाल है, जतिन एक वस्तु को उसके मूल्य से 10% कम पर खरीदता है और उसके मूल्य से 10% अधिक पर बेचता है, उसका लाभ है। तो अंकित मूल्य मानेंगे, अंकित मूल्य यानी इसको हम मार्क प्राइस कहते हैं, एमपी ये है 100 रुपया, 10% कम पर खरीदता है, तो खरीदा हुआ मूल्य को हम सीपी मानेंगे यानी कॉस्ट प्राइस। 10% कम यानी 100 का 10% निकालेंगे कितना आएगा, 0 0 काट देंगे, 10 रुपये कम, अर्थात 100 रुपये में 10 रुपये कम पर खरीदता है यानी 90 रुपये तो वो खरीदता है, और 10% अधिक पर बेचता है। तो अब बेचा हुआ मूल्य यानी एसपी सेलिंग प्राइस 10% अधिक यानी 10 रुपये अधिक पर बेचता है, कितना आ जाएगा, 110 रुपये यानी 90 रुपये खरीदता है और 110 रुपये का बेचता है। बताइए लाभ हुआ कि हानि, सीधी सी बात है, कम पर खरीद रहा है अधिक पर बेच रहा है तो उसको लाभ होगा, कितने का लाभ होगा तो निकाल लेंगे, बेचा गया मूल्य से खरीदा गया मूल्य घटा देंगे तो 110 से 90 रुपये घटाएंगे कितना आएगा, 20 रुपया आएगा। तो प्रॉफिट परसेंट निकालना है, लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत क्या होता है, लाभ बटा क्रय मूल्य गुणे 100, तो लाभ क्या है 20 रुपया का, क्रय मूल्य क्या है 90 रुपया का गुणे 100, 0 0 काट देंगे, अब कटने का तो नाम नहीं लेगा तो कटेगा नहीं, जब नहीं कटेगा तो गुणा कराएंगे 100 का 2 में कराएंगे कितना आएगा, 200 और बटा 9, तो 9 का 200 में भाग देंगे सही बटन बनाने के लिए, तो 9 का पहले 20 भाग दीजिए तो 9 × 18 दो बार मिल जाएगा, फिर 2 बढ़ेगा, 18 × 20 होता है, 2 बढ़ा तो 20 हो गया, तो फिर 9 का 20 भाग देंगे तो 9 × 18 दो बार जाएगा, कितना बढ़ा 2 बढ़ गया, अब आगे कोई अंक भी नहीं है तो 2 बढ़ने पर तो 2 लगा देंगे बटा 9 लिख देंगे, परसेंट लगा देंगे, यानी इसका जो कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी नंबर सी नंबर सही हो जाएगा। अगला है, पेट्रोल की कीमत 25% की दर से बढ़ जाती है, पेट्रोल पर खर्च न बढ़े इसके लिए यात्रा में कटौती करनी पड़ेगी कितने परसेंट की, तो कटौती बराबर सूत्र लगाएंगे, कितना 25% बढ़ गया तो 25 कितने में बढ़ा, 100 में बढ़ा है 25%, 100% है, 100% 25% और बढ़ गया, अब गुणा 100 लगा देंगे, इसको हल कर लेंगे तो 25/125 गुणे 100%, 25 से 125 काटिए कितने बार में कटेगा, 25 से कम 25, 25 × 125 फिर 5 से 100 काट दीजिए, 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10, 1 = 0, तो 20% कटौती करनी पड़ेगी यात्रा में, तो इसका बी नंबर सही हो जाएगा। समझ में आ गया, 25% पेट्रोल का रेट बढ़ गया तो कितने परसेंट का उसके यात्रा में कटौती की जाए कि खर्च में कोई अंतर ना आए, तो 25% बढ़ गया तो 25% और 100% था तो 100% 25% ज़्यादा हो गया, जोड़ देंगे फिर 25 का 125 भाग देंगे, 25 से कम 25, 25 × 125, 5 से 100 काटेंगे, 20 भाग कर दिया तो 20% यानी उसको 20% कटौती करनी पड़ेगी यात्रा में, जिससे कि उसका खर्च नहीं बढ़ेगा। तीसरा है, एक पार्टी में 10 पुरुष हैं, यदि प्रत्येक इसमें
दूसरे से केवल एक बार हाथ मिलाता है तो हाथ मिलाने की कुल संख्या क्या है? तो लिखेंगे हाथ मिलाने की कुल संख्या बराबर n n माइनस वन बाय टू। ये सूत्र है। n क्या है? लोगों की संख्या। तो कितने लोग हैं? 10 लोग हैं। तो इसमें n का n बराबर 10 रखेंगे। जब n बराबर 10 रखेंगे तो रखिए इसमें 10 कोष्टक के अंदर 10 माइनस एक बटा दो, दो से 10 कट जाएगा, दो एक कम दो, दो पंजे 10, तो 5 गुणा चिन्ह है बीच में, 10 में से एक घटाएंगे 9, तो 9 का 5 गुणा करा देंगे 9 का 45, यानी 45 बार हाथ मिलाएंगे वो लोग। तो इसका ऑप्शन जो होगा सी वाला सही हो जाएगा। चौथा है 519 गुणे 519 चौथा है 519 गुणे 519 माइनस 81 गुणे 81 बटा 519 गुणे 519 प्लस 2 गुणे 519 गुणे 81 प्लस 81 गुणे 81 का मान क्या होगा? तो आप देख रहे हैं दो बार गुणा में लिखा है, दो बार मतलब घाते तो लगा दीजिए, 519 की घात 2, फिर 81 दो बार लिखा है तो 81 की घात 2, नीचे ये भी दो बार लिखा है तो 519 की घात 2 प्लस 2 गुणे 519 गुणे 81 इनका इसी तरह लिख दीजिए कि प्लस 81 गुणे 81 का मतलब 81 घात 2। देख रहे हैं सूत्र बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक कोष्ठक में प्लस का, दूसरे कोष्ठक में माइनस का, ये ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर सूत्र होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो 519 प्लस 81 का होल स्क्वायर, 519 प्लस 81 पूरा कोष्ठक कट जाएगा तो एक घात बचेगी, तो घटाएंगे 9 में से एक गए, घटाएंगे 9 में से एक 8 बचेगा, एक से 8 निकलेगा 11 में से 8 गए 3, यहाँ 4 रहेगा, ये दोनों जुड़ जाएंगे 9 एक 10, 8 एक 9 एक 10, 5 एक 6, इसको काटेंगे तो 6 के देखिए कट रहा है क्या, 6 सत्य 42 कट रहा है, 6 सत्य 42 एक बड़ा 6 या 18, इसको काट दीजिए 6 कम 6 100, तो 73 बटा 100 बी वाला ऑप्शन, 73 बटा 100 का बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल है दिए गए चित्र में यदि कोण ओ ए बी बराबर 40 अंश तब कोण ए सी बी का मान है। ये जो देख रहे हैं फिगर में ए सी बी यानी ये वाला मान हमसे पूछ रहा है, तो इसमें जो है ये त्रिभुज देख रहे हैं, त्रिभुज है, ये दोनों भुजाएं वृत्त की त्रिज्याएं हैं, तो वृत्त की त्रिज्या समान होती है, तो ये भुजा समान है, तो इस त्रिभुज में इस भुजा के सामने कोण ये और इस भुजा के सामने कोण ये बराबर होंगे, तो इस भुजा के सामने कोण 40 है तो इस भुजा के सामने कोण भी 40 अंश हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? तो 40 40 हो गया, तो ये कोण हमको निकालना है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों की योग कितना होता है? 180 अंश। तो इसमें जो है कोण को निकालना है तो 40 40 और कोण ओ का जोड़ 180 अंश हो जाएगा,
चालीस चालीस जोड़ेंगे कितना आएगा, चालीस चालीस अस्सी होता है, तो कोण ओ प्लस अस्सी बराबर एक सौ अस्सी, ये पचहत्तर हो जाएगा। तो एक सौ अस्सी से अस्सी घटाइए कितना आ गया सौ। इसी वजह से परिधि पर बने कोण और केंद्र बने कोण का आधा होता है, तो जब ये सौ है तो सौ का ये आधा हो जाएगा, तो सौ का आधा क्या होगा पचास, पचास अंश हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन होगा ए वाला हो जाएगा, ए नंबर।